यार मुझे तो पहली चीज़ में इसकी मजा आ गई। वाओ क्या सिलिकॉन कवर है, बिल्कुल आईफोन जैसा। जैसे मेरे आईफोन में लगा इसको सर पे मार देना, उस जाना से है। चार्जर नहीं मैं हो ऑब्सेस्ड हो गई हूँ इस चीज़ के लिए। और इसको गया ओपन ब्रो, हो करेंगे, गया। सो क्या आता है लिख के सबसे पहले? ही माय वेल विशर्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज अनुष्का एंड ऑब्वियसली यू वाचिंग अनुष्का फैशन ब्लॉग विद अनदर वीडियो। आज कोई फैशन रिलेटेड टिप्स या ट्रिक्स नहीं है, आज कोई मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, आज कोई हेयर ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, बट आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आप लोग थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस चीज़ पर आने वाला है। और वैसे तो मैं बहुत 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 खुश हूँ इस चीज़ को ओपन अप करने में, क्योंकि आज मैं ऐसा पार्सल ओपन करने जा रही हूँ जो कि बहुत क्लोज है मेरे, और ये कह सकते हैं वैसे तो आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए हो कि आज क्या ही है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में अपनी खुशी के लिए थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मोस्टली आजकल लोग आईफोन को जब पार्सल ओपन करते हैं या आईफोन का वो करते हैं ओपनिंग करते हैं उसकी, या फिर उसको ये बोलते हैं ना लोग, हाँ ओपन करने जा रहे हैं आईफोन को, सो उस चीज़ के लिए इतना खुश होते हैं। बट मैं हर चीज़ को, मैं छोटे छोटे पार्सल को भी ओपन करने में उतनी खुश होती हूँ जितना कि कोई बड़ा पार्सल हो। सो मेरे लिए तो हर चीज़ इक्वली रहती है, चाहे वो कितना भी बड़ा पार्सल हो चाहे वो कितना भी छोटा पार्सल हो। सो मेरे लिए पार्सल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैंने आईफोन लिया था तब था, और जब मैंने आईफोन को ओपन किया था उतना ही मैं खुश होंगी, क्योंकि यार एंड्रॉयड में हमारा वन प्लस भी राजा है भाई। कह सकते हैं कि एंड्रॉयड में आईफोन एक अपनी जगह पे ठीक है, आईफोन है वो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट थिंग है, बट फिर भी वन प्लस भी अपनी जगह पे एक अपना ओहदा उसने क्रिएट कर रखा है। और ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं कि वन प्लस वाले भी अपने आप को आईफोन वालों से कम नहीं समझते, वो भी एंड्रॉयड का आईफोन ही है। मेरा ये चीज़ शेयर करने का मकसद सिर्फ एक ही था, जो कि मैं भी आगे दिखाऊंगी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, लिटरली मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज़। और अभी वन प्लस पे या फिर किसी भी फ़ोन पे, वैसे तो मैं वन प्लस को प्रेफर करूँगी अगर आप एंड्रॉयड में जा रहे हो तो, वीवो भी बहुत ही अच्छा है, बट वन प्लस थोड़ा एंड्रॉयड में अपने आप को अपर वर्जन में रखता है, सो आप उसके साथ जा सकते हो। और इस टाइम अमेजोन पे बहुत बहुत अच्छी डील चल रही है, अमेजोन पे बहुत तगड़ी डील चल रही है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट दोनों पे बहुत अच्छी चल रही है, बट मुझे प्रेफरेंस में, मेरे थोड़े प्रेफरेंस में अमेजोन रहता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। सो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जाना तो अमेजोन को ज़रूर क्लिक करना, और अभी बहुत बहुत अच्छी सेल चल रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसा वो लोग साथ में दे रहे हैं उसके ना, कि मतलब आप उस चीज़ को परचेज करने के लिए तो मज़ा आ जाता है परचेज करके। सो ओपन करते हैं अपना फोन, ये रहा हमारा अमेजोन का पार्सल जो कि मैं आज ओपन करूंगी, और मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी अभी मैंने इसको, आप लोग देख सकते हो, अभी मैंने ओपन नहीं किया है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ही ओपन किया जाए, जब शेयर कर रहे हैं तो अच्छे से शेयर करते हैं, क्योंकि इसको ओपन तो मुझे आप लोगों के साथ ही करना था, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ ओपन करते हैं। सो इसको मैं कट करने जा रही हूँ यार। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, वैसे तो फ्लिपकार्ट में ये चीज़ रहती है कि आपको जब डिलीवरी बॉय आता है तो वो रीचेक मारता है जब भी ओपन सामने ही होता है, बट अमेजोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो OTP दे के वो बंदा मुझे दे के चला गया, मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा चलो ठीक है यार, वरना यही ओपन कर देती हूँ। मुझे बाल बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा था, मैंने सोचा इसको ट्राई कर लेती हूँ, फिर इसको ओपन करते हैं अच्छे से। सो मैं मारने जा रही हूँ इसमें कैची सीजर चिचक। ओवर एक्साइटेड हूँ मैं इसको ओपन करने के लिए। मैं पहली बार किसी चीज़ को सिंगल, मतलब मैं अकेले आज ओपन कर रही हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। आज मेरे साथ कोई नहीं है और मैंने इसको सिंगल रिसीव किया, मैंने आज तक किसी भी फ़ोन को सिंगल नहीं रिसीव किया, कोई ना कोई मेरा दोस्त या फिर कोई ना कोई रहता था या मेरा भाई रहता था, कोई भी रहता हो, बट मैंने सिंगल आज तक ना ही कोई फ़ोन रिसीव किया है, मतलब कोई बड़ा पार्सल मैंने कभी नहीं रिसीव किया अकेले, या फिर मैंने किसी बड़े पार्सल को अकेले ओपन भी नहीं किया। सो ये हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, सबूत के तौर पे, एविडेंस के तौर पे भी हो जाएगा ये। सो ठीक है, सो ये रहा हमारा, इसको ओपन करते हैं और आगे क्या है इसमें, एक मिनट इसको मैं रख देती हूँ। कैसी ये पैकेजिंग होती है ये भी आपको देखने को मिल जाएगी, अमेजोन कैसे हमें पैक करके देता है अच्छे से पूरा। सो आ रहा है बाहर हमारा फोन। वाओ नाइस, ये रहा हमारा वन प्लस नॉर्ड CE 4, सॉरी 4। देखो मैं पहले बता रही हूँ, कोई स्पेसिफिकेशन में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करना, बिकॉज मैं यार प्रो नहीं हूँ किसी चीज़ को ओपन अप करने में या किसी चीज़ की डिटेलिंग देने में। सो वो तो मैंने, वैसे तो टेक्निकल गुरु जी है ना जो यूट्यूब पे भाई सबसे ज़्यादा फेमस है इन सब चीज़ों के लिए, मैंने उन्हीं से सीखा भी है। सो
ये हमको पड़ा कितने का है वो आप अमेजोन पे जाके देख लेना, और इसकी प्राइसिंग मैं बता दूंगी कि मुझे कितने की पड़ी है। और इसमें जो एक सरप्राइज जो मेन है वो मैं लास्ट में नहीं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, बस इसको तो ओपन कर लूँ पहले यार। सो ये हमारा रहा बेल, इसको रख देते हैं साइड में, और जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड है उसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये कहाँ से ओपन होगा यार, हमारा नॉट CE4, इसका ओरिजिनल रेट है 2700 26999, इसका ओरिजिनल रेट है, बट आपको भी बैंक में ऑफ मिल जाएगा और ऑलरेडी अमेजोन ऑफ दे रहा है सो उसके अकॉर्डिंग ऑफ मिल जाएगा। सो और सबसे बड़ी बात है, ये है हमारा 256 GB, मतलब 8256 है। सो कितना भी भर लो यार, नो टेंशन। सो 8256 ये फ़ोन है हमारा नॉट CE4। अब देख लेते हैं ये कैसे ओपन होगा। इधर से इधर विच से ये पॉलीथीन से पूरा रैप है, और मेरा माइक तो ऑन है ना, वरना ऐसा हो कि हम बोलते हुए चले जाएं, फ़ोन की ओपनिंग अगर एक बार हो गई ना सो फिर कैसे ही हो सकता है हमारा काम, या कैसे ओपन होगा ये। तो बस थोड़ा सा मुझे कैची मारनी ही पड़ेगी, ना चाहते हुए भी मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके साथ अपनी मेकअप प्रोडक्ट के साथ तो मैं रिस्क ले सकती हूँ, बट इसके साथ रिस्क नहीं ले सकती। सो मैं इसमें थोड़ा सा कैची मारूंगी जिससे ओपन हो जाए। अरे यार, अच्छा कोई भी प्रोडक्ट मेरी बेइज्जती ना कराए ना ओपन करने में, तो कैसे काम चलेगा भाई। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, इसको मैं पॉलिथीन में बहुत गंदे तरीके से खोलती हूँ चीज़ों को। सो इसका पॉलिथीन गया, डन। अब हम करेंगे इसकी मुंह दिखाई, खुल जाओ भाई। ये रहा हमारा, इसको भी लगता है साइड में, और ओके ये क्या है सबसे पहले देख लेते हैं, कवर है। वाह यार, बड़ा अच्छा कवर दिया। मैंने पहले एक वन प्लस मंगाया था, उसमें इतना अच्छा कवर नहीं आ रहा था। सबसे अच्छी चीज़ यार इसकी मुझे मिल गई, कवर बहुत ही अच्छा है यार। मुझे तो पहली चीज़ में इसकी मजा आ गई, वाह क्या सिलिकॉन कवर है, बिल्कुल आईफोन जैसा, जैसे मेरे आईफोन में लगा हुआ है एग्जैक्ट वैसा सिलिकॉन बेस्ड पे कवर है यार। लिटरली बहुत अच्छा है ये कवर ही, बहुत अच्छा है। सो सबसे पहले अच्छी चीज़ मिल गई मुझे कवर, और ऑब्वियसली ये वो पिन है सिम वाली, ठीक है इसको भी साइड में रखते हैं, और मेन चीज ओपन करते हैं। ओके सो मेन चीज है हमारी ये, विद कवर विद अडॉप्टर। ओबे अडॉप्टर कितना बड़ा है, अडॉप्टर कितना बड़ा है, ऐसा लग रहा है किसी के सर पे मार देना। ये मेरा तो 65 वाट था, ये 100 वाट है, 100 वाट, 100 वाट का चार्जर मिल रहा है, गजब की बात है यार। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि 5500 mAh बैटरी है, मतलब 3500 mAh बैटरी है इसकी। सबसे लिटरली सबसे अच्छी चीज़ तो यही है इसकी कि 5500 mAh बैटरी होना एक अपने आप में बहुत, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड फ़ोन में या किसी भी फ़ोन में सबसे ज़्यादा बैटरी की दिक्कत आ रही है। आईफोन में तो खासकर सबसे ज़्यादा बैटरी की दिक्कत आ रही है, और हम अगर किसी भी, क्योंकि यार आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम बहुत कंज्यूम कर रहा है बैटरी को, सो यार 5500 ये बहुत अच्छा, मतलब एक बोल सकते हैं बहुत अच्छा पॉइंट है इस फ़ोन का कि 5500 mAh बैटरी है और इतना बड़ा चार्जर है, जो किसी गुस्सा आ जाए तो किसी को अगर किसी के सर पर मार देना तो उसका सर जरूर फूट जाना है, चार्जर नहीं टूटेगा, बट आपके लिए प्लस पॉइंट ये भी है अगर गुस्सा आ रही तो किसी को मार खींच के ना सही आ जाना उसके दिमाग पूरे। सो 100 वाट का ये चार्जर है हमारा, ये केबल है, केबल भी काफ़ी बड़ी लग रही है मुझे, तो काफ़ी बड़ी लग रही है, मैं इसको ओपन नहीं करूँगी अभी केबल को, क्या हूँ ओपन करना, मेरे पास एक और वन प्लस है मैं उसी से काम चला लूँगी इसको। हम हैं इंडियंस, ऊपर से यूपी वाले, सो बचत तो करनी है ना हमको, इंडियन ऊपर से यूपी वाले, तो फिर कुछ तो अलग डिफरेंट होना चाहिए ना। तो हमारे पास पुरानी केबल रखी है वन प्लस की, हम उसको यूज़ करेंगे, इसको रख देंगे आगे के लिए, हमारे हर चीज आगे के लिए रख दी जाती है, इसको हम इसको आगे के लिए रख देंगे। ओके डन हुआ हमारा ये, और ये तो उसका पेज है, और मेन चीज़ आ गई हमारे हाथ में, और फिलहाल के लिए बहुत ही धीरे धीरे को थामते हुए बहुत धीरे धीरे इसको मैं ओपन करूँगी आप लोगों के साथ। डन टडा, यो वाओ यार, मेरा बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि मैंने ग्रे कलर मंगाया,
बहुत बहुत अच्छा डिसीजन रहा मेरा ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, मेरा बहुत अच्छा लिटरली ये डिसीजन बहुत अच्छा रहा कि मैंने इसको मतलब ग्रे कलर मंगाया। इसका जो लाइट फ्रूजी स्काई कलर था वो ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं आता जितना अच्छा ये ग्रे कलर आया है, और मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ इस चीज़ के लिए। और इसको ओपन करें, ओपन करते हैं यार फाइनली आप लोगों के साथ। सो देखते हैं सबसे पहले क्या लिख के देता है ये। हो जाओ ओपन यार, ओपन क्यों नहीं हो रहा? हो गया हो गया हो गया ब्रो हो गया। सो क्या आता है लिख के सबसे पहले? मैं पहली बार ऐसे किसी फोन को ओपन कर रही हूँ ऐसे कैमरे के आगे, सो आई एम ब्लेस्ड, हाँ ब्लेस्ड भी बोल सकते हैं। और मुझे बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं किसी फोन को इस तरीके से ओपन कर रही हूँ। मैं टेक्निकल गुरु जी और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको मैं देखती थी फोन ओपन करते हुए, जब मुझे कुछ लेना होता था मैं उनके फोन उनकी यूट्यूब पर सर्च करती थी उनको जाके, जब वो किसी चीज़ को ओपनिंग दिखाते थे सामने से ऐसे तो बड़ा अच्छा लगता था, अच्छा ये ऐसे ऐसे लिख के आता है ये वो। आज वो चीज़ मैं कर रही हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि वो चीज़ मैं कर पा रही हूँ जो वो लोग करते थे, और मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता था। आई होप कोई भी मेरी वीडियो इस तरीके से देखे जिसको देखना हो, जिसको चाहिए वन प्लस सी ई फोर नॉट सी ई फोर, वो इस तरीके से मैं उसका रिव्यू दूँ, और कोई मुझे देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ज़रूर, मुझे कॉमेंट करके बताना कि मैंने अच्छे से स्पेसिफिकेशन दिया कि नहीं, या फिर अच्छे से मैंने इसको ओपनिंग की कि नहीं। ऑफकोर्स मैं इस चीज़ में प्रो नहीं हूँ, बट फिर भी यार थोड़ा बहुत तो अगर मेरे अप्रिशिएशन के लिए मुझे अप्रिशिएट कर देना थोड़ा सा। सो ये ओपन हो रहा है, हेलो लिख के आ गया है। और इंग्लिश चूज़ करने के लिए हमारे पास, मैं चूज़ करती हूँ इंग्लिश, इंडियन हैं हम, कंटिन्यू, ओके नेक्स्ट, अभी मैं वाईफाई से ही काम चला लेती हूँ अपने। ओके थोड़ा वाईफाई कनेक्ट हो रहा है इसमें, नेक्स्ट। आई होप जैसे सोचा था वैसा ही निकले। और सबसे अच्छी इसकी चीज़ ये है कि 50 मेगापिक्सल कैमरा है और सोनी का पड़ा हुआ कैमरा है और स्नैपड्रैगन 7 जेन है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसकी, सबसे अच्छी चीज़ मुझे बैटरी लगी है और कैमरा लगा है, जो कि वन प्लस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता था कि कैमरा अच्छा नहीं रहता था, बट आई होप इसका अच्छा हो क्योंकि 50 मेगापिक्सल है, ऊपर से सोनी का पड़ा हुआ कैमरा, तो आई होप अच्छा होना चाहिए। इसके पिक्स एंड वीडियो तो मैं बाद में शेयर कर दूंगी क्योंकि वो तो प्रॉपर तरीके से सेटिंग वेटिंग करने के बाद ही में शेयर हो पाएगा, बट फिर भी ओके। मैं इसको पुराने फ़ोन से इसको थोड़ा मुझे कॉपी भी करना होगा, सो मैं इसको अभी रख देती हूँ इस चीज़ के लिए, आगे बढ़ा देती हूँ, नेक्स्ट। ऑक्सीजन ओएस के साथ ही ओपन हो रहा है हमारा, गेट स्टार्टेड मैंने कर दिया है। और सबसे अच्छी चीज़ तो वन प्लस की यही है कि बहुत स्मूथ होता है। और सो ये हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है और इसका अब करते हैं हम कैमरे का चेक। और हाँ एक बात और मुझे बतानी थी, सबसे मेन चीज़ है इसकी, इसका लुक सबसे अच्छा मुझे लगा आज, मतलब आज तक के सबसे वन प्लस में सबसे अच्छा मुझे इसी का लुक लगा है। कितना प्यारा क्लासी सा लुक लग रहा है, थोड़ा सा इन लोगों ने सैमसंग का टच दिया है इस तरीके का ला के, थोड़ा सा सैमसंग का टच दिया है क्योंकि सैमसंग हमेशा इस तरीके के लंबे कैमरे में ही जाता है, सो थोड़ा सा इन लोगों ने सैमसंग का टच दिया है। और ये ब्रॉड स्क्रीन में है सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस फोन को देखते हुए भी, और बहुत ही स्लिम है, बहुत ही लाइट वेटेड है, और सबसे अच्छी चीज़ तो बहुत बहुत लाइट वेटेड, आप देख सकते हो कितना लाइट वेटेड है ये। और सबसे अच्छी चीज़ कवर भी बहुत अच्छा निकला है, 50 मेगापिक्सल सोनी के साथ है, और बहुत ही प्यारा कलर है, ग्रे कलर ही चूज़ करना अगर आपको फ़ोन लेना हो तो ग्रे कलर चूज़ करना। इसका कैमरा भी अब अभी चेक कर लेते हैं, कैमरा भी सबसे मेन चीज़ होती है कैमरा, सो डोंट अलाउ करके कैंसिल करो सेटिंग और एक सेल्फी मारते हैं अपनी। सो आप देखो तो कैमरा भी बहुत ही ओरिजिनल है, बहुत ही क्लीन है कैमरा, थोड़ा सा फिल्टर्स की कमी है, थोड़ा सा बोल सकते हैं थोड़ा सा फिल्टर्स की कमी, उतना अच्छा फिल्टर नहीं है, बट हाँ सोनी का है तो ऑब्वियसली कि बहुत ज़्यादा ओरिजिनल रहेगा। फिल्टर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें, विव्ड करके वार्म करके तो सारे ही फिल्टर्स अच्छे हैं और बहुत ही ओरिजिनल फोटो दे रहा है। लिटरली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसकी कैमरे क्वालिटी भी। और बैक साइड का कैमरा भी देख लेते हैं एक बार चेक करके,
अपना हैंड की फोटोज ले लेती हूँ मैं कि कितना ओरिजिनल। भाई भाई साहब बैग तो बहुत गजब है, बहुत गजब है बैग लिटरली। भाई साहब बैग बहुत गजब है यार। हमारी फ्रंट फोटो और ये रही हमारी बैक फोटो, आप डिफरेंस लिटरली नजर आ रहा होगा कि कितना स्मूथ सा है ये, कितना स्मूथ लग रहा है कैमरा फोटो में। बहुत 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 स्मूथ है यार, लग रहा है 50 मेगापिक्सल कैमरा है। सो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, कैमरा भी बहुत अच्छा है। सो फाइनली रहा हमारा ये Nord CE 4, OnePlus Nord CE 4, और आप लोग इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हो अगर आपका बजट 25 के ऊपर है या फिर 23 के ऊपर है, तो आप 128 GB भी ले सकते हो, 23 में मिल जाएगा 128 GB। सो अगर आपका बजट है 20 के ऊपर जाने का तो डेफिनेटली आप जा सकते हो OnePlus Nord CE 4 के साथ, और बहुत बहुत ही अच्छा फ़ोन है। मैं इसको रख देती हूँ, और आज मेन चीज़ जो मुझे बतानी है इसके साथ, जो मुझे मिली है फ्री, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ के लिए, जो चीज़ मिली है मुझे फ्री OnePlus Nord CE 4 के साथ, वो चीज़ मैं दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ वाकई में बहुत अच्छी है। जिस चीज़ को लोग 3,000 रुपये लगा के खरीदते हैं, 2,000 रुपये लगा के खरीदते हैं, वो मैंने पाई है फ्री। सो इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या है वो चीज़। सो ये रहा वो पार्सल जिस चीज़ के लिए मैं बता रही थी। ये है हमारा एयरबड्स, ये हमारे एयरबड्स OnePlus के एयरबड्स, जो कि लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपए लगा के खरीदते हैं, वो मुझे OnePlus ने फ्री दिया है इस फोन के साथ। सो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही खुश हूँ। इस डील को पाने के लिए आप अभी जाओ अमेजोन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सो आप जाके परचेज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस चीज़ को पा सकते हो आप भी फ्री, अगर आप जाना चाहो तो भी जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अमेजोन का, जहाँ से मैंने परचेज़ किया है इस फ़ोन को, और वहाँ से जहाँ से मुझे मिला है ये फ्री। सो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके, और इसको भी मैं ओपन कर लेती हूँ पहले अच्छे से। ओपन ही करना बहुत कठिन काम है मेरे लिए ऑब्वियसली। सो मैंने इसको ओपन कर लिया है, और अब आप देख सकते हो ये रहा वो एयरबड्स OnePlus के जो मुझे फ्री मिले हैं, और लिटरली बहुत बहुत ही अच्छे एयरबड्स हैं। मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और ये वाकई में यार, मैं इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड थी जब मैं ये फ़ोन ले रही थी, क्योंकि ये इसका रेट है यार, कितना रेट है इसका ओरिजिनल 2299, मतलब यार 2200, मतलब नहीं 2300, 2300 का ये एयरबड है हमारा OnePlus का, जो कि मुझे फ्री दिया है। सो कितनी अच्छी चीज़ है, ब्लू कलर है, ऑब्वियसली क्लासी लगता है ब्लू कलर। सो इसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, और बहुत ही अच्छा, लोग ऑब्वियसली लोग इतना प्राइस लगा के खरीदते हैं, और कोई चीज़ अगर आपको फ्री मिल जाए तो ऑफकोर्स अच्छी इसको मैं लगाती हूँ अपने अपने ईयर्स के साथ। इसके क्या सेल्फी बड़ी गजब आने वाली है इसके साथ, अगर आप इसके साथ फोटो लो ना तो बहुत ही अच्छी आएगी, इस तरीके से ब्लू में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सो यार आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये चीज़ मिली, OnePlus ने ये चीज़ दी फ्री में। जब मैंने पहले OnePlus का खरीदा था तब ऐसा कुछ भी नहीं था, बट इस बार के डील में ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि फ़ोन के साथ एयरबड्स फ्री मिल रहे थे। और हाँ, Nord CE 3 के साथ तो ईयरफोन जो ब्लूटूथ वाला होता है वो फ्री मिल रहा है, तो प्लीज़ जाओ यार इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ प्लीज़। तो मुझे जो सरप्राइजिंग चीज़ें शेयर करनी थी वो मैंने शेयर कर दी हैं, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्जॉइंग लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर दो जाके, और लाइक ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। ऑफकोर्स अच्छा तो लगा होगा, थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, सुबह जाके कमेंट कर देना। और मिलते हैं एक और छोटी बड़ी वीडियो के साथ बहुत जल्दी, वो ब्यूटी रिलेटेड ही वीडियो रहेगी या फिर ट्विटर वीडियो रहेगा। सो बहुत जल्दी मिलते हैं एक और छोटी बड़ी वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक ऑलवेज गुड नाइट। मुझे मुँह से इसलिए निकले कि मैं नाइट में शूट कर रही हूँ। सो गुड नाइट एवरीवन। Keep loving, keep supporting, bye bye everyone. I'm not here for more. This video or for the mobile video.